है। इंट्रामस्कुलर साइड के लिए ये डेटॉल इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मसल्स कैसे चेक करते हैं तुम सामने देख लगाइए, बस हाथ को आप ऊपर उठा लीजिए, ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो। ये कर्व आपको ऐसे ही दिख जाएगा, कहाँ से इस मसल शुरू हो रही है और कहाँ तक आएगा, ये ट्राइंगल आपको ऐसे ही विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं कि ऊपर से तीन उंगली या चार उंगली छोड़ के लगाना होता है। अब मेरा हाथ बड़ा है, मेरी चार उंगली में से पूरी डेल्टॉइड ख़त्म हो रही है, ठीक है। और किसी का हाथ छोटा होगा तो यहीं पे आ जाएगी, या इनका साइज, इनकी हेल्थ अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो इनको तीन उंगली के बाद भी आ रहा है मसल्स। बहुत से छोटे होंगे, इनकी हाइट कम होगी तो उनका पूरा ढक जाएगा। ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका है यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हो रही डेल्टॉइड मसल्स, आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इमेजिनरी लाइन दो बना लीजिए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, बराबर बराबर। और इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो बिल्कुल बीच का हिस्सा आएगा वो हिस्से में आपको मसल्स में इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। सिंपल तरीका, आप लोगों ने टिक टैक टो खेला होगा, उसमें क्रॉस और जीरो बनाते हैं, वैसे ही डेल्टॉइड मसल्स में टिक टैक टो के कॉलम्स मन में बना लीजिए। जो बीच का पॉइंट होगा उसमें आपको इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाने के लिए आपको टेक्निक यूज़ करनी है जेड ट्रैक मेथड, जिसमें क्या होता है कि आप साइट लेने के बाद स्किन को किसी भी एक डायरेक्शन में नीचे खींचते हैं। थोड़ा सा और पास से दिखाओ, एकदम पास के लिए। अभी क्या है, अगर हम सीधे सीधे नीडल डालेंगे और सीधे निकालेंगे तो वैक्सीन बाहर आने का रिस्क होता है। अगर हम स्किन को किसी भी एक डायरेक्शन में ऐसे कर देंगे, या ऐसे कर देंगे, या ऐसे कर देंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में आप स्लाइड कर लीजिए स्किन को, तो क्या होगा, ऊपर की जो स्किन की लेयर है वो स्लाइड हो जाएगी और नीचे की मसल्स की लेयर वहीं रहेगी। तो जब हम सीरिंज लगाने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये ऊपर से कवर कर देगा, तो वैक्सीन बाहर नहीं आती, ठीक है। अब इंजेक्शन लगाने से पहले आपको पार्ट प्रिपेयर करना होता है। पार्ट प्रिपेयर करने का तरीका, आपने अल्कोहल स्वाब लिया, वो दो स्प्रे, ठीक है, अल्कोहल स्वाब ले लीजिए, ठीक। उसके बाद आपने जो साइड चूज़ किया है वहाँ से आप रख कर इसको इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में क्लियर करेंगे। जैसे हमने इनर पे रखा और हम सर्कुलर मोशन में आउटर की तरफ क्लियर करेंगे, और उसके बाद इसको बीच में वापस नहीं लाएंगे। बहुत से लोग ऐसे 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 करते हैं, वो सब तरीके गलत है। आपको सिर्फ ऐसे ही रखना है, एक बार रख के रिंग बनाकर बाहर निकाल के इसको डिस्कार्ड कर देना है, फिर इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप इस पर इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक। ये हो गया हमारी सिरिंज, जिसमें टाइफाइड की वैक्सीन है जो हम IM लगाने जा रहे हैं। हम साइड बनाएंगे, साइड बनाने के बाद हमको जेड ट्रैक मेथड यूज़ करना है, तो हम किसी भी एक साइड में इसको ऐसे करके स्लाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे स्लाइड करने के बाद हम इसको 90 डिग्री में पुश करेंगे। 90 डिग्री में पुश करने का सबसे सीधा तरीका है इसको ऐसे पकड़ना, लेकिन ऐसे पकड़ने में क्या होता है, जब इसको आप मूव करते हो फिर ऐसे चेक करते हो तो ये मूव करती है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही पकड़ लो, लेकिन आपका जाना 90 डिग्री पे ही चाहिए, ठीक। अभी मैं ऊपर खड़ा हूँ, अगर मैं अपना सीधा करूँगा तो ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो मुझे अपने हिसाब से इसको सेट करके 90 डिग्री पे लाना है। हमने साइड क्लीन कर लिया, अब हमने इसको निकाल लिया, हमने मसल्स देख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक टिक टैक टो बना लिया, बीच का हमारा साइड है। उसके बाद हम इसको एक स्लाइड में स्लाइड कर लेंगे। स्लाइड करने के बाद हमें यहाँ पर IM इंजेक्शन लगाना है, 90 डिग्री पर पुश करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा, किसी आर्टरी या वेन पे तो पुश नहीं है। उसके बाद ही हमने पुश कर दिया, पुश करने के बाद हम इसको कॉटन लगा कर बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे जो स्किन हमने स्लाइड करी थी वो अपने आप इसको कवर कर लेगी, कवर करने की वजह से वैक्सीन बाहर नहीं आएगी। अब हमें इसको रब नहीं करना है, घिसना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस चुपचाप ऐसे दबा कर इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसको आपको पुश भी नहीं करना होता, क्योंकि पुश करोगे तो वैक्सीन कुछ इधर उधर भागेगी। इसको ऐसी एज इट इज चुपचाप छोड़ दीजिए, कोई वैक्सीन बाहर नहीं आ रही है, देख लीजिए इसमें, और उसके बाद आप कॉटन लगा कर इसको छोड़ दीजिए। दैट्स इट, आपका IM इंजेक्शन कम्प्लीट हो गया, बंद।